अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा मॉल दिखाऊंगी जो एक ओपन एरिया मॉल है और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे हैं और शॉपिंग सेंटर्स कम हैं। तो इस मॉल का नाम है द जोन रियाद। ये देखिए हम बाहर आ गए हैं और हम लोग ने पार्किंग अंडरग्राउंड पार्किंग में अपनी कार पार्क करी थी, फिर ये ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर मान लीजिए, ये ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे दूसरे चीज़ें हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे जो है पूरा लाइन से इन्होंने सामने थोड़ी बहुत शॉप्स भी बनाई हुई हैं, बाकी जो है यहाँ पे मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो है रेस्टोरेंट्स। तो और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था इन लोगों ने, पूरा ग्रीनरी भी थी विद फ्लावर्स और रेस्टोरेंट्स थे जो जिनके आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट थी और कुछ के अंदर भी थे, लेकिन बाहर बैठने का भी पूरा अच्छा सा अरेंजमेंट है। तो आगे वीडियो में आप देखेंगे मैंने सारे रेस्टोरेंट्स को दिखाया है और उनके सिटिंग अरेंजमेंट जो भी इन लोगों ने कर रखी है अंदर बाहर सब जगह, वो सब मैंने दिखाया है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत से फाउंटेन भी इन्होंने बना रखे हैं बीच में, चारों तरफ मॉल और रेस्टोरेंट्स हैं और बीच में फाउंटेन है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा तो उसमें आगे आपको और भी मज़े मज़े की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं।
건너 나를 거울 앞에서 수성이게 만들어버린 너 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나는 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 yes, 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 एडवेंचरा भी है कि आप अगर अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं 2 घंटे के लिए 100 रियाल्स लेते हैं ये लोग और अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो उसका 25 रियाल्स है तो यहाँ बच्चे अपना खेल लेते हैं आराम से 2 घंटे 100 रियाल्स में ठीक है फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा अल्लाह हाफिज़